गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कृष्णा रिवर। ठीक है, याद करो ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। हिमालयन रिवर कंप्लीटेड हो गई है, पेनिनसुलर जो रिवर भी कंप्लीट हो चुकी हैं, ईस्ट साइड में बहने वाली नदियाँ, और वो भी कौन सी? प्रायद्वीपीय पठार की, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स में बात कर रहा हूँ मैं। एंड आज की रिवर बेटा द कृष्णा रिवर। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट आपको याद होंगे, ओरिजिन हमें पता करना है, स्टेट्स कौन से स्टेट से जाती है ये पता करना है, एंड कहाँ पर होती है, अगर कोई इम्पोर्टेंट डैम इस पर बना हुआ है या इम्पोर्टेंट कोई बात है इसकी लेंथ, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ एक जगह है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है, बहुत फेमस है, सुना भी होगा आपने। महाबलेश्वर जो नॉर्थ सह्याद्री जो माउंटेन रेंज है ना, उसकी सबसे सेकंड हाईएस्ट ये माउंटेन पीक है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है और यहाँ से निकल करके इस प्रकार ये बहती है, यहाँ ये डेल्टा फॉर्म करती है और फिर चली जाती है किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ये हो गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हम क्या लिखे, पहला पॉइंट क्या है बच्चों? ओरिजिन। ओरिजिन कहां से होती है, लिख बोलो एक बार, महाबलेश्वर। ठीक है, ओरिजिन कहां से होगी? महाबलेश्वर से। कौन सी रिवर होगी? कृष्णा रिवर। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेट देखो, कौन से स्टेट में बह रही है? फोर स्टेट्स में। महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटका में जाती है, तमिलनाडु में जाती है और आंध्र प्रदेश में जाती है। ठीक है, चार स्टेट में हो गई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एंड कहां पर है बेटा बताओ? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिन हुई, चार स्टेट में बहती हुई कहां पर चली गई? बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर दिया, डेल्टा बनाती है यहां पर इस ईस्टर्न घाट पर। डेल्टा क्यों बनाती है? देखो, एस्चुरी क्यों नहीं बनाती? क्योंकि यहां पर माउंटेन रीच छोटे छोटे पार्ट्स में है। याद होगा ना आपको कि ईस्टर्न घाट में देर आर पैरल जो सॉरी देर इज नो कंटिन्यूटी इन द माउंटेन रेंजेज। ठीक है, दैट्स वाई इट्स मेक अ डेल्टाज। और ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र हो जाता है बीच में भी बहुत बड़ा बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ देख लेते हैं, लेंथ है 400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब याद करो सबसे लंबी नदी कौन थी? गोदावरी, 1465 थी ना, तो उससे थोड़ी कम है कृष्णा रिवर। इसका मतलब पेनिनसुलर जो इंडिया है या पेनिनसुलर जो रिवर है उसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई बताओ? एज पर अच्छा बुक में इतना ही कुछ नहीं बस है। महाबलेश्वर से ओरिजिन हुई, चार स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन है, बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है, लेंथ 1400 किलोमीटर है एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट देखता हूँ। देखो रिवर्स इसमें कौन कौन सी आके मिलती हैं, यहां से एक रिवर निकलती है, इसमें मिल जाती है जिसका नाम है भीमा। क्या नाम है बेटा बताओ? भीमा। यहां से दो रिवर निकलती हैं इस प्रकार से, दो धाराएं निकलती हैं, एक का तो नाम है तुंग, क्या नाम है? तुंग, और एक का नाम है भद्रा, और दोनों मिलकर क्या हो जाती हैं? तुंग भद्रा। इधर से महाराष्ट्र से एक रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है कोयना। ठीक है, इधर से हैदराबाद जिस पर बसा हुआ है, तेलंगाना से वो आ जाती है जिसका नाम है मूसी नदी, मूसी रिवर। ठीक है, आप ये भी लर्न कर सकते हो कि एक जो रिवर इसके राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मैंने लिख दी। ठीक है, ऊपर से बात करूं, महाराष्ट्र से एक रिवर आती है कोयना, महाराष्ट्र से कौन सी रिवर आके मिलती है? कोयना। इधर यहीं से ही महाराष्ट्र से आके मिलती है जिसका नाम है भीमा। कर्नाटका से दो रिवर, रिवर तो एक ही है बट वो दो दो स्ट्रीम होके बन के आती है, एक स्ट्रीम हो गई तुंग,
देखो मैंने यहाँ मिला दिया इसको थोड़ा देता हूँ। एक तो रिवर यहां से निकली और दूसरी यहां से निकली, ये दोनों एक हो गई। इसका नाम क्या है? तुंग। और नीचे वाले का नाम क्या है? सॉरी, भद्रा। ठीक है, दोनों रिवर जब जाके मिल जाते हैं तो इसका नाम है तुंग भद्रा। रिवर का नाम क्या हो गया? तुंग भद्रा। तो कोयना, भीमा, तुंग भद्रा और मूसी, आपको याद होगा मूसी के बैंक पर ही हैदराबाद सिटी बसी हुई है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सारी रिवर कहाँ पर हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? कृष्णा रिवर की है। लंबाई कितनी है? 1400। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जाके बहती है। अब मैं कुछ बात करूँ किसकी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई बच्चों, मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक तो बहुत फेमस लेक है, ठीक है, और एक मैं बताऊँ बेसिन, जिसको राइस बेसिन कहा जाता है। देखो यहाँ से जो रिवर एक रिवर और आके मिलती है, इस प्रकार से ये ड्रेन करती है, ये दोनों रिवर के बीच का पार्ट है ना, इसे बोलते हैं केजी बेसिन। क्या नाम बताओ? केजी बेसिन। के स्टैंड फॉर कृष्णा और जी स्टैंड फॉर गोदावरी। इसका मतलब गोदावरी और जो कृष्णा है इसके बीच का जो पार्ट है, इसके बीच के बेसिन को केजी बेसिन कहा जाता है। और वाई केजी बेसिन इज फेमस या इन इन न्यूज इन करंट डेज, बिकॉज साइंटिस्ट जो हैं या फिर जो जो भी ऑयल कंपनीज हैं, दे फाउंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस हेयर। ठीक है, जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा भंडार मिला है। ठीक है, किसका? नेचुरल गैस का। कौन से बेसिन में? केजी बेसिन में। केजी बेसिन किसके द्वारा बना हुआ है? कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के द्वारा। और यहीं पर एक झील है बेटा, यहीं पर एक लेक है जिसका नाम है कोलेरू, कोलेरू लेक, जो बहुत फेमस डेल्टा लेक है वेस्टर्न सदरन इंडिया की, जिसका नाम है कोलेरू लेक। ठीक है, तो ये भी गोदावरी और इनके बेसिन के बीच में बसी हुई है। इसे चावल बेसिन भी कहा जाता है क्योंकि राइस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, राइस बेसिन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्ट किसके बारे में थे? कृष्णा रिवर के बारे में। ठीक है, अच्छा कृष्णा रिवर के बारे में कुछ एक दो फैक्ट और बता देता हूँ मैं, मुझे याद आ रहे हैं, मैंने डैम नहीं बताए। देखो कोयना रिवर पर कोयना नाम से डैम बना हुआ है, भीमा रिवर पर भीमा नाम से डैम बना हुआ है, तुंग भद्रा पर तुंग भद्रा नाम से एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चला हुआ है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। यहां पर आपको एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है अलमाटी, महाराष्ट्र में। क्या नाम है जिसका? अलमाटी बांध। कौन सी रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं, यहां पर एक आंध्र प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है नागार्जुना, नागार्जुना डैम। ठीक है, नागार्जुना डैम भी कौन सी रिवर पर बना हुआ है? कृष्णा रिवर पर। एक श्री सेलम डैम भी है, अगर आपको याद रखें तो श्री सेलम डैम भी इसी रिवर पर बना हुआ है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट अबाउट द कृष्णा रिवर। और लास्ट रिवर बची हुई जिसका नाम है कावेरी, तो वो हम और इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा ये रिवर वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, रिवर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा बच्चों? देखो आपको क्या लर्न करना है कि कृष्णा के बारे में, अगर आपको क्या लर्न करनी है बातें, कृष्णा के बारे में आपको लर्न करना है कहाँ से ओरिजिन हुई, लेंथ 1400, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अलमाटी बांध है, नागार्जुना बांध है और श्री सेलम रिवर है, भीमा, कोयना, तुंग भद्रा, मूसी, ये इसकी कौन सी है? ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। ठीक है, लंबा तो नहीं हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, अभी पढ़ें 5-6 मिनट में कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरी देखो रिवर है जिसका नाम है कावेरी। यहाँ पर एक मैंने आपको बताई थी पहाड़ी ना का नाम बताया था ब्रह्मगिरी, और उसका एक और नाम भी लिखा हुआ था आप याद करो, जिसका नाम था पुष्गिरी। यहीं पर एक लेक है जिसका नाम है ताल कावेरी। ठीक है, याद करो जब मैंने ये पार्ट ये जो पढ़ा रहा था ना, इसमें मैंने ब्रह्मगिरी पुष्गिरी का नाम लिया था कि यहां पर एक माउंटेन्स रेंज है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी। वहीं से ये वेस्टर्न घाट में ये जो
माउंटेन पीक है, यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? द कावेरी, कावेरी रिवर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कावेरी रिवर की। तो पॉइंट देखो, सबसे पहला क्या, आप ओरिजिन कहां से हुई, ब्रह्मगिरी या फिर पुष्पगिरी पहाड़ी पर, जो ताल कावेरी जो लेक है वहां से ये ओरिजिन होती है। और कहां पर चली फिर ये? वही कर्नाटका, देन केरला, ठीक है, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका बेसिन आता है, तो महाराष्ट्र में आप लिखो, केरला में लिखो, कर्नाटका में लिखो एंड तमिलनाडु में लिखो। ठीक है, तीन ये स्टेट में चली जाती है। बेसिकली ज्यादा इसका बेसिन कहां पर आता है? कर्नाटका, सॉरी केरला, केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहां पर जाकर ड्रेन होती है? तीसरा पॉइंट वही, बे ऑफ बंगाल। कहां पर ड्रेन हो गई? इस प्रकार से चलती हुई बे ऑफ बंगाल में, इधर ये अपना वाटर ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बाउंड्री आ जाती है यहां पर, लेकिन बेसिकली ये बहती है कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला में। ठीक है, अब ओरिजिन हो गया। लेंथ इसकी है 760 किलोमीटर, 758 है वैसे, कहीं कहीं 758 आता है, कहीं कहीं 60 आता है, तो आप दोनों ही ऑप्शन याद करना। 758 भी है, देर आर फ्यू फैक्ट इन द एनसीईआरटी वेयर इट्स लेंथ इज 758 किलोमीटर एंड इन योर बुक देर इज 760 किलोमीटर। ठीक है, सो दोनों ही एनसीईआरटी की बुक्स है बेटा, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकती कौन सा सही है कौन सा गलत है। 758 से 760 किलोमीटर इसका लेंथ माना गया है एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ मैं, कुछ बहुत अच्छी मतलब जो बातें इसके बारे में। कावेरी देखो, कावेरी सबसे मोस्ट सैक्रेड रिवर है साउथ इंडिया की, यानी दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदी माना गया है कावेरी रिवर को। बात समझ में आ गई? अगर पवित्र नदी की बात करूं, सबसे ज्यादा जो हॉली रिवर है वो कौन सी है? गंगा है। सो दैट्स वाई कावेरी इज ऑल्सो नॉन फॉर द गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? कावेरी रिवर को भी कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा हॉली और सेक्रेड रिवर है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा इश्यूज है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, वो केरला में है, केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन तीन स्टेट में कावेरी जल विवाद है, मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब इश्यू है तीनों स्टेट के बीच में। सो इन द रिसेंट इयर्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, आप कह सकते हो कंपोज्ड ए ट्राइब्यूनल, और उस ट्राइब्यूनल ने इसमें वाटर को डिवाइड कर दिया कि 3% कौन यूज करेगा, केरला 41 यूज कौन करेगा, कर्नाटका, और कितना बच गया 56 कौन करेगा, तमिलनाडु। ठीक है, ये स्टेट बहुत बार पूछे जाते हैं इन कंपटीशन एग्जाम कि कावेरी जो जल विवाद है, कावेरी जो वाटर इशू है, वो कौन से स्टेट के बीच में है, तो केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और उसका बंटवारा भी किस तरीके से किया गया है। तो 3% वाटर कैन बी यूज बाई केरला गवर्नमेंट या और 41% फॉर कर्नाटका एंड 56 फॉर द तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा एक बेटा और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर एक शिव समुद्रम वॉटरफॉल है यहां पर एक। ठीक है, कावेरी रिवर पर इंडिया का सेकंड हाईएस्ट, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सॉरी, वॉटरफॉल है, सेकंड हाईएस्ट वॉटरफॉल, जिसका नाम है शिव समुद्रम, कौन सी रिवर पर है? कावेरी रिवर पर। और देखो आपको यही मैंने एक बात वेस्टर्न घाट में मैं आपको जब बता रहा था ना, तो मैंने कहा था कि गोवा से दो रिवर निकलती हैं, मांडवी एंड जुआरी, और मैंने यहाँ शरावती रिवर आपको बताया था कर्नाटका से, वहां पर जो जोग फॉल बताया था मैंने, जोग फॉल या जिसको गरसोपा फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, गरसोपा फॉल कहा जाता है, वो शरावती से निकलता है। कावेरी से निकलने वाला कौन सा वाटरफॉल है? शिव समुद्रम, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, करीब कितना मीटर है, 90 मीटर है साइज इसकी,
हाइट, मुझे पक्का तो याद नहीं है, बट अराउंड 90 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है क्या? इसके अलावा देखो, इसकी ट्रिब्यूटरी के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी के नाम दिए हुए हैं। ट्रिब्यूटरी में देखो आपको कौन सी कौन सी, एक तो है हेमवती, एक है सावरणवती, एक है अमरावती, एक है अर्कावती, एक है भवानी और एक है कबानी। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? देखो, भीमा, कोयना, तुंग, भद्रा, मूसी, ये सभी की किसकी थी? कृष्णा की, कावेरी की। इफ आई वुड टॉक अबाउट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, सो हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती, अर्कावती, भवानी एंड कबानी, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। बहुत सेक्रेड है, हॉली रिवर है, और इसे साउथ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में वाटर का इश्यू है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको बेटा, मैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके 98% जो वाटर है ना, कावेरी ही एक वर्ल्ड की ऐसी रिवर है, इन नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, जिसके 98% वाटर का यूटिलाइज किया जाता है। यानी केवल 2% वाटर ही जाके बे ऑफ बंगाल में या समुद्र में खत्म होता है या नष्ट होता है या खराब होता है, बाकी पूरे के पूरे वाटर का यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी है कि इट्स ए पर्नियल रिवर, ये सदाबहार रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर भारत की कोई भी रिवर सदाबहार नहीं है, वर्ष भर नहीं बहती, ये मैंने पहले ही बताया था, बट एक्सेप्शन है, देर इज वन एक्सेप्शन इन द पेनिनसुलर रिवर, कावेरी इज ए पर्नियल रिवर, सदाबहार रिवर है, वर्ष भर पानी बहता है और इसके पानी का सबसे ज्यादा उपयोग भी किया जाता है, 98% वाटर का उपयोग किया जाता है। इसी पर शिव समुद्रम, एशिया का फर्स्ट आप भी कह सकते हो हाईएस्ट वाटरफॉल, जो 1902 में बनाया गया था, एशिया का हाईएस्ट, सबसे पहला वाटरफॉल बनाया गया था 1902 में। ठीक है, और गढ़सोपा किस पर है? गढ़सोपा तो शरावती पर है, ठीक है, जहां पर राजा रानी, रॉकेट, रोवेरी, कुछ ऐसे चार धाराएं बहती हैं गढ़सोपा पर। ठीक है, तो ये कावेरी के बारे में कुछ बातें थी। ये इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, ये उसका बेसिक बेसिन हो गया, कहाँ पर वो वाटर ड्रेन करती है, क्या उसकी लेंथ है 760 या 758 किलोमीटर। ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी से ऑरिजिन होती है कावेरी, बहुत सेक्रेट रिवर है, पवित्र नदी है और सबसे ज्यादा वाटर इसका यूज किया जाता है। इसका रीजन देखो, अच्छा आपके मन में सवाल आया होगा कि सर बाकी रिवर तो पर्नियल नहीं है, ये पर्नियल क्यों है? चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे देश में दो तरह से मानसून आता है बच्चों, या तो जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो मानसून बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, पूरी बातें आपको समझाई जाएंगी कि हमारे सर्दियों में हमें हमारे पास बारिश क्यों नहीं होती है और गर्मियों में बारिश क्यों होती है। टू टाइप से मानसून आता है देखो, एक तरफ से, एक तो आता है किस तरह, कौन सा, साउथ वेस्टर्न मानसून कहते हैं, एक तो आता है साउथ, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो अरेबियन सी से आता है। एक आता है बे ऑफ बंगाल से, वो इधर जाता है और ये जो पार्ट था ना, यहाँ की पहाड़ियों से हिमालय से टकरा करके वापस आता है इधर, यहाँ से। दूसरा मानसून क्या था, इधर से उठता है, मतलब उठता इधर से है, बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से जाए, यहाँ पर बहुत आपने देखा होगा गारो खासी, जो सॉरी ये गारो खासी और इधर राजमहल, ये सारी पहाड़ियां थी ना, कुछ इधर से हिमालय से था, तो ये इन ईस्टर्न घाट से ये टकरा करके ये मानसून वापस इस प्रकार आता है, इस प्रकार से ये मानसून आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा यहां पर रिवर है कौन सी, कावेरी। अब गर्मियों में तो इसको यहां से, ये गर्मियों में तो इसको यहां से बारिश मिल जाती है, पानी मिल जाता है, और जब यहाँ का पानी सूखना लगता है, यानी ये मानसून जब कम होता है, तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट का मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून जिसको कहते हैं, जो सर्दियों में होता है, जो अभी चल रहा है, अभी देखो अपने बादल से हैं, कहीं कहीं बारिश हो रही है, ये कौन सा मानसून है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून है बच्चों, इसको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहते हैं, जो सर्दी में आता है, विंटर में आता है और देश के इस पार्ट में बहुत ज्यादा भयंकर बारिश करता है। तो कावेरी देखो, सर्दी में भी बारिश
आती है और गर्मी भी, इसमें बारिश आती है, तो बारिश अगर आ रही है 24 महीने 12 महीने तो पानी तो होगा ही होगा, बात समझ में आ गई ना। तो दैट्स वाई कावेरी इज द पर्नियल रिवर इन इंडिया, और वो भी कौन सी, पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। हाँ चलिए हो गया, रिवर हो गई कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा स्माइल आना चाहिए आपके चेहरे पर, काफी लंबा हो गया था। एंड डोंट बी बोर्ड बेटा, ऐसा मत होना कि बहुत बड़ा चैप्टर कर दिया है, ठीक है। अगर चाहें तो हम इसको 2 दिन में पूरे कोई मतलब काम तमाम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छा बनना है, अच्छा बन के दिखाना है, अच्छे से पढ़ना है और सीखना है, यहाँ पर कुछ बनना है ना। तो ये अच्छे से तरह से आप गो थ्रू करिए। हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर, और यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। कोई भी इश्यू है, कोई भी समझ में बात नहीं आई, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल फील फ्री, ठीक है। कल से हमें स्टार्ट करूँगा लेक्स, ठीक है। और लेक्स के बाद में कुछ मैं सिलेबस के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। आज तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्लास ये। कल हम बात करेंगे सिलेबस की एंड लेक्स की, और लेक्स के साथ ही अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।